बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जनाब आप टम्बलर पे एक प्रॉपर पोस्ट कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों सब पिछली मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आप अपनी टम्बलर की ब्लॉग पे कैसे कोई भी पोस्ट अगर आपकी गलत पोस्ट एंटर हुई है यानी कि गलत पोस्ट आप कर चुके हैं तो उसे डिलीट कैसे करते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं कि आप टम्बलर की पोस्ट एक प्रॉपर पोस्ट कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपने अपने टम्बलर के अकाउंट को लॉगिन करना है। मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने टम्बलर की साइट ऑलरेडी मैं किया हुआ था, अभी मैं इसे लॉगिन किया, अभी मेरे पास साइन इन की ऑप्शन आएगी। अभी मेरे पास यहाँ पर साइन इन की ऑप्शन आ गई है जिसमें आप देख सकते हैं ये साइन अप है, ये ईमेल है, ये पासवर्ड है और लॉगिन है। मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देता हूँ, ये मैंने दे दिया, मैं ऑलरेडी इंटर कर चुका था। अभी मैं अपना पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। पासवर्ड मैंने देने के बाद यहाँ पर मैंने लॉगिन क्लिक कर दिया लीजिए। अब मेरा टम्बलर का अकाउंट जो है वो ओपन हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा टम्बलर का अकाउंट है। अगर आप मेरी ब्लॉग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये तो वही आ गया जनाब, ये आ गई जी मेरी ब्लॉग। ये आप देखेंगे कि मेरी ये ब्लॉग आ तो गई है लेकिन इसमें ना तो कोई पोस्ट है ना कुछ चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अपने पोस्ट जो है वो कैसे एक प्रॉपर पोस्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जनाब कि हमने जो पोस्ट करनी है उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास ये है एक स्काइप का आईडी, हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने इस पोस्ट को ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ जनाब कि इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ या फिर जिस पोस्ट जिस पे आपने पोस्ट दी हुई है वो आप ब्लॉग ओपन कर लें या वेबसाइट ओपन कर लें जिस वेबसाइट पे आपने दी हुई है, क्योंकि आप उसका लिंक वगैरह भी बनाना चाहते हैं। तो मैं जनाब अपनी ब्लॉग जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी ब्लॉग है, ब्लॉग मैंने ओपन कर ली है। अभी आप देखें ये मेरी पोस्ट है हाउ टू मेक फ्री स्काइप अकाउंट। तो ये मैंने तो ये दे दी, अभी ये तो मैंने दे दिया। अभी आप देखेंगे, अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यह है टेक्स्ट, यह है फ़ोटो, ये कोटाज है, ये लिंक है, ये चैट है, ये ऑडियो है, ये वीडियो है, ये तमाम चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया ये मेरे पास टैब ओपन हो गया। अभी यहाँ पर हम इसको अपना टेक्स्ट जो मैंने कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम देंगे इसका टाइटल जो कि मैं इस ब्लॉग से भी चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं जनाब यहाँ पर से ये टाइटल इसको कॉपी करता हूँ। टाइटल हम सेम भी दे सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बोल्ड का टैब है, ये इटैलिक है, ये स्ट्राइक थ्रो है, ये लिंक वगैरह का है, एडिट लिंक वगैरह देने का, ये अनलिंक करने का है, ये आप नंबर वगैरह दे सकते हैं, ये डॉटेड कर सकते हैं, यहाँ पर आप रीड मोर का ऑप्शन बना सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर है। तो सबसे पहले मैं इसमें पिक्चर ऐड करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, ये स्काइप की फॉर विंडो है, इसे मैंने ओपन कर दिया। इस पर लॉन्ग मिस्टेक्स, तो ये मेरे पास स्काइप की पहले पिक्चर आ गई। उसके बाद ओपन, यहाँ पर मैं एक पिक्चर ऐड करता हूँ, ये मेरी स्काइप की पहली पिक्चर है। उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरी पिक्चर, तीसरी भी पिक्चर जो है वो ऐड करता हूँ। ओपन किया, वेट करना है कि आपकी पिक्चर आप यहाँ पर शो हो जाए। यहाँ पर मैं अपनी फोर्थ पिक्चर जो है वो ऐड करता हूँ, ये वाली जो है, क्योंकि एक पर मैंने नाम नहीं लिखा, ये दे दिया। उसके बाद दिस इज़ द लास्ट स्क्रीन, यहाँ पर मैं क्लिक करके दोबारा से पिक्चर ऐड करता हूँ। सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे,
और उसके बाद मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरी जो पोस्ट है, सॉरी, मेरी जो पोस्ट है एक वीडियो भी मैं लगाना चाहता हूँ। तो मैं वीडियो कैसे लगाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा जनाब, सबसे पहले मैंने अपना वीडियो की जो यूट्यूब की वीडियो है वो मैं इसमें लगाऊंगा। तो मैं अपना यूट्यूब का अकाउंट जो है वो मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने यूट्यूब का अकाउंट ओपन कर लिया। ये मैंने अपना यूट्यूब का अकाउंट जो है वो मैंने ओपन किया अपने दूसरे ब्राउज़र में। और यहाँ पर मेरी जो वीडियो है वो ये है जनाब, हाउ टू क्रिएट स्काइप यूज़र आईडी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसे प्ले होने का टाइम होगा। और उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे थे, यहाँ पर ऐड टू है, शेयर है, मोर है। मैं शेयर पर क्लिक करता हूँ। शेयर पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप के जो ऑप्शन है वो आ रही हैं। इसमें एम्बेड कोड जो है वो मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर से मैं इस कोड को कॉपी करने के बजाय यहाँ पर शो मोर करता हूँ और इस पर कस्टम साइज़ देता हूँ जो मुझे। सौ साठ बाई 269, नहीं 480 आएगा, 270, 470 करते हैं जनाब, क्या साइज आता है, 264, तो 480 ही आएगा। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर से इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं मिनिमाइज करता हूँ, अपनी ब्लॉग में जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ जनाब कि मैं क्या टाइप करना चाहता हूँ। सॉरी, ये तो मैंने दे दिया। इसमें मैं इसे इस पर करने के पहले मैं यहाँ पर, ये HTML का टैग है तो इसमें वीडियो कैसे ऐड करनी है। HTML टैग को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम स्क्रॉल से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हम तलाश करेंगे कि जो हमने दी हुई है जनाब, सॉरी, यहाँ पर क्लिक करने के बाद HTML टैग में आते हैं। वीडियो ट्रेनिंग है, यहाँ पर हम क्या करते हैं जनाब, एंड पे यहाँ पर इनको पेस्ट करते हैं। ये हमने फ्रेम जो है पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद दोबारा से HTML टैब को हम अनचेक कर देते हैं। अनचेक करने के बाद इसको प्रीव्यू करने यहाँ पर है, ये गैलरी के एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और सॉरी, ये पोस्ट की ऑप्शन में स्क्रॉल डाउन को नीचे क्लिक करते हैं, यहाँ पर करते हैं प्रीव्यू ऑन ब्लॉग कंटिन्यू। प्रीव्यू ब्लॉग ऑन कंटिन्यू हमने किया, उसके बाद आप देखेंगे कि ये मेरी ब्लॉग जो है ये इस तरह की वीडियो शो होगी। यहाँ पर वीडियो भी शो हो जाएगी क्योंकि अभी ये यहाँ पर इसमें ब्लॉक है तो मैंने इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो नेक्स्ट मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी वीडियो जो है ये शो हो चुकी है। तो इस तरीके से एक बेहतर वीडियो आप बना सकते हैं। मैं इसको अब पोस्ट करता हूँ। ये मैंने पोस्ट पे क्लिक किया, अब देखेंगे ये पोस्ट मेरी यहाँ पर शो हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्तों को मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक करने के लिए यूट्यूब लाइक करने के लिए है जनाब facebook.com/onlinetrainings। फॉलो कर सकते हैं मुझे dailymotion.com/onlinetrainings। tumblr.com पे आप मुझे कर सकते हैं tumblr पे onlinetrainings.tumblr.com। और सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/users/onlinetrainings। तो हम याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।